प्रथम तहलका न्यूज। चुनावी मौसम में कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं सत्ता में वापसी तो कहीं हो गई बेदखली, कोई खेल रहा जीत की होली तो किसी के उड़ गए रंग। सुबह सवेरे 8 बजे जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो हर एक की धड़कनें तेज हो रही थी। नेता हो या जनता, हर कोई टीवी की स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठा था कि आखिरकार क्या होगा। नेताओं की निगाहें जहां जीत को ढूंढ रही थी तो वहीं जनता ये जानने को बेकरार थी कि आखिर क्या होगा। लेकिन फिर आखिरकार हुआ तो वही जो मंजूर खुदा था, किसी पार्टी के हिस्से में जीत आई तो किसी को हार का मुंह देखना पड़ा, किसी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई तो किसी को सत्ता से बेदखल ही होना पड़ा। शुरुआत अगर पंजाब से करें तो यहाँ पर किसी को पहले से ही अनुमान था कि सत्ता में तो आम आदमी पार्टी ही आएगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चलेगी कि सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। आपकी आंधी में बड़े से बड़े धुरंधर बह गए। पंजाब के बड़े बड़े सुरमाओं ने आम आदमी पार्टी के आगे घुटने टेक दिए और खुद ही हार भी स्वीकार कर ली। क्या सिद्धू, क्या कैप्टन, क्या बादल, आपके सामने जो भी आया वो बस करारी हार का स्वाद लेकर ही रह गया। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। ये वो राज्य है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का गलियारा दिल्ली का रास्ता तय करता है। ऐसा लगा था कि किसान आंदोलन के बाद से भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव मुश्किल होगा, लेकिन भाजपा ने सबको हैरान करते हुए दोबारा से सत्ता में वापसी कर ली। भाजपा के ट्रम्प कार्ड योगी की मेहनत रंग लाई और दोबारा से उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि यहां पर भाजपा ने सबको हैरान करते हुए सत्ता में दोबारा से वापसी की है। हैरानी इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड में एंटी इनकम वैसी है, यानी कि हर एक 5 साल के बाद सरकार बदल ही जाती है, लेकिन इस बार तो इतिहास ही रचा गया क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने सत्ता में वापसी की। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि भाजपा बेशक जीत गई, लेकिन इनके बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, जो कि सीएम का चेहरा भी थे। इन सब राज्यों में सत्ता में उलटफेर तो हुआ ही, लेकिन गोवा और मणिपुर में मुकाबला कांटे का बना रहा। बात अगर गोवा की करे तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि 40 में से 19 पर भाजपा, 13 पर कांग्रेस, 3 पर टीएमसी और 2 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है। वहीं मणिपुर में 60 सीटों पर भाजपा सरकार बनाती दिख रही है। बता दें कि यहाँ पर भाजपा को 60 में से 32 सीटें, कांग्रेस को 4, जबकि अन्यों को 24 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव किसी को खुशी दे गया तो किसी को ना भूल पाने वाला गम। प्रथम तहलका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।